जब कोई संगठनों के दर्जा नहीं कर रखा था हुआ है तो पाकिस्तान ने कल पोखरण में राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। अंडमान के बाद कमान ने कल अपना तेरहवां स्थापना दिवस मनाया। इस समय में भारी वर्षा से कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है और थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित सर्जन संसदीय समूह के देवरा ने 2 पॉइंट पदक जीते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृति दी गई है। ये कानून बनने से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। इसे आधार को भी कानूनी समर्थन मिल जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 12 अंकों की आधार संख्या जारी करता है। सूत्रों ने बताया है कि ये विधेयक अब संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी विभागों और संस्थानों में अधिक रूप से अच्छा मतदान को प्रधान न्यायाधीश की सदाशिवों ने स्पष्ट किया कि वकीलों में 50% से अधिक आरक्षण न देने का प्रधान इन अक्षम लोगों पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि 3% का भी आरक्षण 3 महीने दर देना चाहिए। तो कार्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने कल पोखरण में गुर्जर स्थित राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद आपदा प्रबंधन सचिव श्रीमती पूर्णिया प्रमिला श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि आपदा के समय निगरानी और सूचनाओं के प्रसारण के लिए सभी आवश्यक उपकरण और सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो कार्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकुमार जिला उपायुक्त से बात की और आपदा संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी ली। बाद में कार्यपाल ने सचिवालय भवन का भी निरीक्षण किया। अंडमान निकोबार कमान ने कल अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में आईएनएस उत्कोष परिसर में समारोह आयोजित हुआ जहां कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सी के रॉय ने रश्मि परेड की सलामी ली। वर्षा के बावजूद रक्षा अधिकारियों और कर्मियों के साथ भारी संख्या में उनके परिजन कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस मौके पर सशस्त्र सेना की विभिन्न टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया। इस अवसर पर एयर मार्शल सी के रॉय ने उल्लेखनीय गतिविधियों से जुड़ी इकाइयों को विशेष प्रदर्शनी पत्र प्रदान किए। अपने संबोधन में एयर मार्शल रॉय ने बताया कि अंडमान निकोबार के तटवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से कारगर व्यवस्था की गई है जिसमें आईएनएस सरयू, आईएनएस इन्वेस्टिगेटर और C-147 लड़ाकू विमान की तैनाती प्रमुख है। उन्होंने कहा कि कार निकोबार में SRE स्क्वाडन भी तैनात है। कमांडर इन चीफ ने जानकारी दी कि जल्दी ही पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर को हटाकर इसके स्थान पर MI-17B हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाएगा। कमान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एयर मार्शल ने बताया कि इस वर्ष के दौरान विदेशी नागरिकों की घुसपैठ पर अंकुश लगा है। पिछले एक वर्ष 136 घुसपैठिए पकड़े गए थे लेकिन इस वर्ष के दौरान ये संख्या केवल 71 है। उन्होंने बताया कि कमान के विभिन्न अंगों के संयुक्त प्रयासों से वर्ष के दौरान समुद्र में फंसे करीब 1500 लोगों को बचाया गया। द्वीप समूह में संयुक्त कमान की स्थापना करगिल युद्ध के बाद 2001 में हुई थी। ये देश की एकमात्र संयुक्त कमान है। दक्षिण अंडमान जिले से संबद्ध जिला स्तर कार्यबल समिति की बैठक इस महीने की 11 तारीख को जिला कार्यालय पोखरण में शाम 3:30 बजे आयोजित होगी। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में पोखरण नगर पालिका क्षेत्र नील है ब्लॉक और लिटिल अंडमान को शामिल नहीं किया गया है। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए ऋण के लिए आवेदन किए हैं उन्हें बैठक में शामिल होना होगा। इसके अलावा निर्माण और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक उद्यमी ही अपने ऋण आवेदन 10 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं।